स्पोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट स्कूटी है जो कि हम अपने व्यूअर्स को डिफरेंट कलर्स में दिखाते हैं कि ये मेटल में है, ये इसका कोई साउंड नहीं है। हमारी स्कूटी है ये फुली ऑटोमेटिक है, एंटी क्लॉक वाइज इसको आप घुमाते जाएंगे और ये आपकी स्कूटी चलने लग जाएगी। हमारे पास इसकी स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पर आप अपना हेलमेट, आप अपना बैग, लैपटॉप या कुछ भी ऐसा ज़रूरी सामान इसमें अपने। वालेकुम सलाम, जी वी लॉग्स के तमाम व्यूअर्स और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी नंबर अपना बता। जी ज़रूर, अली खान ऑटो कंपनी सर्कुलर रोड रावलपिंडी में हमारा ये शोरूम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आउटलेट में एटीवी बाइक्स, स्कूटीज़, रेप्लिका हैवी बाइक, स्पोर्ट्स, जैपनीज बाइक्स, सारी वैरायटी अंडर वन रूफ आपको मिलती है। और जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो 03125740747 है। तो आप स्टार्ट किससे करेंगे हमारे व्यूअर्स को, आज पहले स्पेशल क्या दिखा रहे हैं? जी आज हम अपने व्यूअर्स को सबसे पहले जो दिखाने जा रहे हैं वो इटालियन प्लांट में मैन्युफैक्चर हुई हुई, इटालियन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट स्कूटी है जो कि हम अपने व्यूअर्स को डिफरेंट कलर्स में दिखाते हैं। तो इसके बारे में आप स्टार्ट करते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी डिटेल्स, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसकी फिर लास्ट में हम प्राइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जिशान भाई, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो स्कूटी है ये रेमजा स्कूटी के नाम से है। इसमें हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स हैं। इस टाइम पे जो ये यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है इसमें ब्लैक, रॉयल ब्लू, मैरून कलर्स हमारे पास डिस्प्ले में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। अब इसकी जो 2-3 मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ वो इस तरह से है कि ये इटालियन स्कूटी है, इटालियन प्लांट में मैन्युफैक्चर की गई है। इसका जो प्लांट है इटली से स्पेशली न्यू एशिया कंपनी ने पाकिस्तान में इंपोर्ट करवाया है, उसके बाद इस प्रोडक्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका जो सबसे बड़ी खसूसियत और ख़ासियत है, जैसा कि मैं आपको शायद अपनी इस रिंग से बता सकूं कि ये मेटल में है। ये वाहिद पाकिस्तान की स्कूटी है जिसकी आउटर बॉडी जितनी भी है सारी की सारी ये मेटल में है। ये सारी आउटर बॉडी इसकी मेटल में है। इसके अलावा जो इनसाइड इसका जो बॉडी पार्ट है और ये जो मीटर का केस है ये प्लास्टिक में है। इसके अलावा जितनी भी आपको स्कूटी की साइड्स और मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी वो सारी की सारी आपको मेटल में और क्रोम प्लेटेड मिलेगी। जैसे कि आपको ये दिखा सकते हैं ये इसके मोनोग्राम्स, लोगोज, ये सब क्रोम प्लेटेड हैं। अच्छा, अब इसकी इंजन की अगर बात कर ली जाए तो इंजन इसका 100cc है। 100cc इंजन में ये हमें 1 लीटर में तकरीबन 40-45 किलोमीटर माइलेज देती है। और अगर इसके एग्जॉस्ट की बात कर ली जाए तो इसमें जो एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है ये नॉइस एमिशन कंट्रोल एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से इसकी जब ये स्टार्ट की जाएगी, अभी हम इसको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, तो ये साउंडलेस होगी, इसमें किसी किस्म का कोई शोर नहीं होगा। निशान भाई चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। ये मैंने स्कूटी को स्टार्ट कर दिया है और स्कूटी इस टाइम पर स्टार्ट है। जैसे कि मैं आपको इसका माइक आगे एग्जॉस्ट की तरफ करके भी दिखाता हूँ कि इसका कोई साउंड नहीं है, ये बिल्कुल साउंडलेस है। नॉइस एमिशन कंट्रोल एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल किया गया है। मज़ीद इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ इसकी मीटर डिजिटल डिस्प्ले के बारे में, तो एनालॉग और इसमें मैनुअल मीटर, डिजिटल और एनालॉग मीटर का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आपके पास जो माइलेज शो कर रहा है ये किलोमीटर्स और माइल्स में दी गई हैं। इसके अलावा हमारे पास इसका जो ये फ्यूल बार्स हैं, फ्यूल की इंडिकेशन है, ये भी बिल्कुल फ्यूल बार्स हमें डिजिटल में मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास किलोमीटर्स में इसकी माइलेज आ जाती है और साथ में हमारे पास इसमें एक टाइम का ऑप्शन दिया गया है। अगर राइट हैंड साइड ग्रिप की बात कर ली जाए तो राइट हैंड साइड ग्रिप में हम लोगों को इसका लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। राइट साइड पे ही बिल्कुल इसके ठीक नीचे ये सब स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड ग्रिप की अगर बात कर ली जाए तो हमारे पास लाइट्स, हाई और लो का ऑप्शन मिल जाता है। इसके ठीक नीचे हमारे पास ये हॉर्न का ऑप्शन अवेलेबल है और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नीचे अगर देख लिया जाए तो ये हमारे पास इसका इंडिकेटर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मज़ीद स्कूटी के बारे में जिशान भाई मैं बताता चलूँ, इसको हम स्टैंड से थोड़ा सा उतार लेते हैं अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए कि ये चलती कैसे है। भाई जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, हम अपने व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी स्कूटी है ये फुली ऑटोमेटिक है, इसमें किसी किस्म का कोई गियर नहीं है, कोई क्लच नहीं है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि शायद इसमें कोई क्लच होगा या कोई गियर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो लीवर है ये इसकी रियर ब्रेक है और जो राइट हैंड साइड पर ये लीवर है इसका ये इसकी फ्रंट ब्रेक है। इसके अलावा इसको चलाना कैसे, जस्ट इसकी राइट साइड वाली जो ये ग्रिप है इसको एंटी क्लॉक वाइज मैं आपको दिखा देता हूँ,
एंटी क्लॉक वाइज इसको आप घुमाते जाएंगे और ये आपकी स्कूटी चलने लग जाएगी। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्कूटी को चलाने के लिए, सिर्फ आपने एंटी क्लॉक वाइज इसको राइट साइड पर घुमाते रहेंगे और ये स्कूटी चलने लग जाएगी और ये आप इसको ब्रेक से रोक सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी मुश्किल नहीं है स्कूटी चलाना। इसमें हमारे पास आप स्टैंड्स के, जैसे अब मैं स्कूटी से नीचे उतरा हूँ तो हम लोग इसको देखेंगे डबल स्टैंड लगाना है या सिंगल साइड स्टैंड लगाना है, तो हमारे पास सिंगल साइड स्टैंड का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम इसको इजीली स्टैंड पे खड़ा कर सकते हैं। अगर इसके साइड मिरर्स की बात कर ली जाए जिशान भाई, तो ये भी हमारे पास क्रोम प्लेटेड मेटल में हमारे पास इसके बहुत ही खूबसूरत साइड मिरर्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। जी आगे आए तो इनके डिफरेंट कलर्स भी इधर जी बिल्कुल, हमारे पास इसमें 7 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, जिनमें से इस टाइम पे हमारे पास डिस्प्ले में ब्लैक कलर है, रॉयल ब्लू कलर है, मैरून कलर है और इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट स्कूटीज़ भी अवेलेबल है। आज हम इसको कंपेयर कर लेते हैं मज़ीद बाकी डिफरेंट पेट्रोल वेरिएंट स्कूटीज़ के साथ, जो कि ये बिल्कुल हमारे पीछे खड़ी हुई हैं। इसमें हमारे पास यूनाइटेड की स्कूटी है, चाइनीज़ के और भी डिफरेंट, ये यूनाइटेड भी चाइनीज़ ही का एक ब्रांड है, चाइना से इम्पोर्ट होती है और इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान में सेल आउट होती है। प्राइसेस क्या है ये इधर आए तो इस तरह क्या प्राइस? जी मैं बिल्कुल इनकी प्राइसेस के ऊपर भी आपसे बात कर लेता हूँ। जो इनकी प्राइस है वो जिशान भाई इस टाइम पे जो मार्केट प्राइस है 2,55,000 है और जो हमारे जी व्लॉग्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स होंगे उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है और उनको हम लोग 5,000 ऑन द स्पॉट कैश डिस्काउंट प्राइस में देंगे, 250 में इंशाल्लाह अपनी ये प्रोडक्ट देंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मेटल बॉडी के अंदर है और इसका एक एक पार्ट इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया हमारे पास पेट्रोल वाली दूसरी भी स्कूटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट और फ्रेंकली स्पीकिंग नो डाउट कि ये हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है। हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट वेरियंट्स हैं स्कूटीज़ के, लेकिन इनमें से कोई भी एक सिंगल स्कूटी ऐसी नहीं है जिसका एक एक नट बोल्ट पार्ट कम्प्लीटली अवेलेबल हो। अच्छा, तो ये वाहिद ऐसी स्कूटी है जिसका एक एक पार्ट अवेलेबल है। मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ में हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, पार्क जोन की है, पार्क इलेक्ट्रिक की है, जोल्टा की है, YJ की है, रोड किंग की है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। इनको मैं जी मैं इसकी मीटर डिजिटल डिस्प्ले भी आपको दिखा देता हूँ, सनलाइट की वजह से शायद इसको दिखा पाएँ आप। दूसरा ये है कि इसकी जो प्राइस है ना, वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की जो स्टार्टिंग प्राइस है 1,45,000 इलेक्ट्रिक स्कूटी की स्टार्टिंग प्राइस है। इसको जी बिल्कुल मैं बताता हूँ जिशान भाई, इसको 4 से 5 घंटे आप चार्ज कर सकते हैं, आम कहीं भी किसी भी स्विच में प्लग इन करें जहाँ पे आप अपना एक सेलफोन चार्ज करते हैं, 4 से 5 घंटे चार्ज करने के बाद आप इसको 55 to 65 किलोमीटर राइड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास, मैंने जैसे कि पहले बताया, हमारे पास डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट वेरियंट्स भी हैं। इसी तरह हमारे पास ये डायना की इलेक्ट्रिक स्कूटी है, सेम प्राइस में है, 1,45,000 में हम लोग अपने क्लाइंट्स को दे देंगे। इसके साथ बैग में रियर बॉक्स आ जाता है, साइड में कंप्लीट इसका केज लगा हुआ है तो आपको जो डैमेज से बचा सकती है। 1,45,000 रुपीज़ दोनों की, 1,45,000 रुपीज़ जी जी। स्टोरेज कैपेसिटी अगर इसके बारे में बात कर ली जाए, मैं बता देता हूँ इसका, अगर इसका बूट ओपन किया जाए रैमजा स्कूटी का, तो ये हमारे पास इसकी स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर आप अपना हेलमेट, आप अपना बैग, लैपटॉप या कुछ भी ऐसा ज़रूरी सामान इसमें अपने साथ कैरी कर सकते हैं। से तो काफ़ी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और इसकी जो माइलेज है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 लीटर में 40 से 45 किलोमीटर आपको माइलेज देती है। जी बिल्कुल, इसके अलावा भी हमारे पास ये बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स है, इसमें आप अपना सेलफोन, वॉलेट और कुछ भी ऐसी जो चीज़ जो आपको चाहिए आप इसमें रख सकते हैं। साथ ही इसके लेफ्ट साइड पे एक नीचे छोटा सा बटन हमारे पास अवेलेबल है, ये ट्रिप का बटन है। अगर आप इस पर ट्रिप सेट करना चाहते हैं, आप कहीं लॉन्ग माइलेज, कहीं लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो आप अपना मीटर पे ट्रिप सेट करना चाह रहे हैं तो आप इसको ट्रिप सेट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईशान भाई वाइड वेराइटी ऑफ स्कूटीज़ अवेलेबल है हमारे स्टॉक में, जिसमें ये FS स्कूटी है, ये भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। ये सब चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, चाइनीज़ डिफरेंट ब्रांड्स, FS स्कूटी, यूनाइटेड स्कूटी, शेल्बे स्कूटी, S7 स्कूटी और हमारे पास ये सिग्नस स्कूटी। सिग्नस में 2 वेरियंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं फिर इस बात के ऊपर क्लियरली फोकस करूंगा, अपने व्यूअर्स को हम लोग हाइड एंड सीक में नहीं रखना चाहते हैं, बिल्कुल ओपन बात बताते हैं। आप आए, मोस्ट वेलकम, आके अपनी खुशी से लेके जाएं, हमें काबिले कबूल है, लेकिन हम आपको पहले ये बात बता रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है, ना ही आपको कि मार्केट में इसका कोई बॉडी पार्ट स्पेशली कहीं मिलता है। वाहिद रैमजा स्कूटी है जिसका मैंने आपको कम्प्लीटली डिटेल में रिव्यू दिलवाया है, उसका एक एक नट बोल्ट पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलता है। अच्छा, इनकी प्राइसेस वैसे अगर हमें बता, इनकी प्राइसेस भी ऑलमोस्ट सेम है, 2,60,000
30,000 और इसकी यूनाइटेड वाली की जो मार्केट में इस टाइम प्राइस है 2,25,000 रुपीज़ है, लेकिन मैं फिर से वही 20-25,000 रुपये के लिए अगर आप एक हल्की प्रोडक्ट सस्ती प्रोडक्ट ले जाएंगे बजाय इसके कि आप यू शुड हैव टू गो फॉर द रेमजा स्कूटी एस यू हैव टू गो फॉर यूनाइटेड स्कूटी, क्योंकि इसका पार्ट अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी छोटी छोटी कंप्लेंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग इस यूनाइटेड स्कूटी में ज़्यादा डील नहीं करते हैं। और इसके अलावा ये हमारे पास स्कूटी है 150cc कैटेगरी में, सेम प्राइस है 2,60,000 रुपीज़। ये स्वीट्स की S7 स्कूटी है, ये भी सेल्फ इंपोर्ट है, हमारे अपने कंटेनर्स आए थे, इसकी भी प्राइस सेम है 260। ये सिग्नस है, ये 125cc में जो कि 49cc में क्लियर करवाई हुई है, ये आपको मिल जाती है 225 में। और ये लास्ट वाली जो सी है यामाहा की सिग्नस, ओरिजिनल यामाहा सिग्नस 2,60,000 रुपीज़। इवन दैट इसके भी बॉडी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास ये किमको की एक ताइवान प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास बड़े टायरों वाली स्कूटी अवेलेबल है, वंस अगेन इसके भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये था आज का स्कूटीज़ का रिव्यू। इसके अलावा मैं जिशान भाई आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग अपने व्यूअर्स को 49cc स्कूटीज़ भी दिखा देते हैं और उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी शेयर कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम अपने व्यूअर्स को मज़ीद स्कूटीज़ भी दिखाएंगे इंशाल्लाह जो हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। 49cc स्कूटीज़ जो जैपनीज स्कूटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यामाहा कंपनी की भी हैं, सुजुकी कंपनी की भी हैं और होंडा कंपनी की भी हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी होंडा कंपनी की इस 49cc स्कूटी के साथ। ये 49cc स्कूटी होंडा की डायो 6 है, इस मॉडल का नाम है डायो 6 और ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दो चार इस रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसका सिटिंग पॉस्चर की अगर बात कर ली जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल इसका सिटिंग पॉस्चर है, छोटी राइड है, इस पर दो बंदे इजीली बैठ सकते हैं और अपनी राइड को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है और एक लीटर में सबसे बड़ी जो बात है ये 49cc स्कूटी एक लीटर में 70 किलोमीटर माइलेज आपको देती है। और ये सेल्फ स्टार्ट भी है, इसके अलावा किक स्टार्ट भी है, इसमें डुअल ऑप्शन है, आप सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हो और किक से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। जी मीटर में हमारे पास इसका फ्यूल का ऑप्शन दिया हुआ है, स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिया हुआ है, इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया हुआ है और जब आप स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये स्पीड का इंडिकेशन भी देती है। इसके अलावा हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन में जो यामाहा जॉग की स्कूटी है, यामाहा जॉग की 49cc स्कूटी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही रिलायबल और बहुत ही अच्छी एक स्कूटी है। इसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे अगर आप ये दिखा दें तो ये 125cc कैटेगरी के अंदर हमारे पास किमको की स्कूटी है। अच्छा, प्राइस की अगर बताते हैं। जी जी बिल्कुल, प्राइस के हवाले से अगर आप बात कर ली जाए तो ये चूँकि जैपनीज़ स्कूटीज़ हैं इनकी प्राइसेस कंपैरेटिवली चाइनीज़ और डिफरेंट स्कूटीज़ के ज़्यादा होती है, और अगर इनकी ब्रांड न्यू की प्राइस की बात कर ली जाए तो ये $3,500 टू $3,800 इनकी ब्रांड न्यू की प्राइस है। चूँकि ये 3-4 साल यूज़ होकर पाकिस्तान आई हुई होती हैं तो इनकी जो प्राइसेस है यूज़ होने के बाद पाकिस्तान में आप कह लें जो इनकी स्टार्टिंग प्राइस है वो 1,45,000 रुपीज़ है। तो 1,45,000 रुपीज़ स्टार्टिंग प्राइस है। इस स्कूटी की भी इसी तरह 1,45,000 से ये स्टार्ट हो रही है, जितनी भी स्कूटीज़ हैं स्टार्टिंग प्राइस 1,45,000 है। इस स्कूटी की जो प्राइस है वो 1,85,000 है। और अब यहाँ पे हमारे पास ये सुजुकी कंपनी की जो जैपनीज स्कूटीज़ हैं 49cc, इसमें हमारे पास ऑरेंज, ब्लू, वाइट, सिल्वर, नेवी ब्लू कलर अवेलेबल है। लास्ट में हमारे पास जो स्कूटी खड़ी हुई है ये जूमर एक्स स्कूटी है और ये होंडा की जूमर एक्स की रेप्लिका है, चाइनीज़ वेरिएंट में है और इस स्कूटी की जो हम लोग प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो 2,25,000 रुपीज़ है। ये जो जैपनीज स्कूटीज़ हैं जैसे कि मैंने आपको इनका बताया कि ये 1,45,000 से स्टार्ट हो रही हैं, फिर इनमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, 145, 155, 165, 175 और इसी तरह से तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक हमारे पास जैपनीज स्कूटीज़ का स्टॉक भी अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। मैं आपको दिखाते चलता हूँ द वेरी नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्प्ले में स्कूटीज़ अवेलेबल हैं ये हमारे पास सुजुकी कंपनी की हैं। सुजुकी में इस सुजुकी की स्कूटी का नेम जो है मॉडल नेम वो पैलेट है, पैलेट, और ये फिर सुजुकी लेट्स 4G है। ये सुजुकी की हमारे पास बकेट वाली है। सुजुकी एड्रेस V50G के 3-4 वेरिएंट्स हमारे पास मज़ीद अवेलेबल हैं जिसमें गन मेटैलिक ग्रे कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर और लाइट स्काई ब्लू कलर। तो ये सेम 49cc स्कूटी कैटेगरी हैं, इनमें भी आपको हमारे पास 1,45,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक जेन्युइन जैपनीज स्कूटीज आपको मिल जाती हैं। ये भी एड्रेस V50G में हमारे पास रेड कलर है। इसके अलावा ये सिम की स्कूटी है, ये थाईलैंड स्कूटी है और इसकी भी सेम इसी प्राइस में कैटेगरी में ये फॉल करती है। नया वेरिएंट, नया प्रोडक्ट, नई चीज़ जो मैं अपने व्यूअर्स और चैनल के सब्सक्राइबर्स को दिखाना चाहता हूँ, अवेयरनेस देना चाहता हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है
और इस स्कूटी को इजी बाइक कहते हैं। और ये आप 3 से 4 घंटे चार्ज करने के बाद इसको आप 35 से 40 किलोमीटर चला सकते हैं। और इसकी जो बैटरीज़ हैं वो 12 वॉट 20 एम्पीयर की 4 बैटरियाँ इसमें इंस्टॉल की गई हैं। इसकी जो मोटर है वो 350 से 400 वॉट की इसकी मोटर होती है। और आप इसको 2 बंदे इजीली राइड कर सकते हैं। ये अपने साथ जो वेट कैरी कर सकती है, वैसे तो 150 kg तक अपने साथ वेट कैरी कर सकती है, बेयर कर सकती है, लेकिन जो आइडियल इसके ऊपर वेट डाला जाए वो तकरीबन 60 से 70 kg होना चाहिए, ताकि ये आपको फिर माइलेज पूरी दे। क्योंकि अगर आप इसको वेट ज़्यादा डालेंगे तो ये आपको माइलेज अच्छी नहीं देगी। जस्ट आपने इसका स्विच ऑन करना है, इस थ्रॉटल को एंटी क्लॉक वाइज आपने रोटेट करना है। और निशान भाई अभी आपको दिखा देंगे कि इसका टायर रोटेट होने लग गया, मूव होने लग पड़ा, ठीक है। नॉइज सबमिशन कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये, इसका कोई आवाज़ नहीं है, कोई साउंड नहीं है। सिर्फ आपने शायद देखा होगा इस्लामाबाद में डिफरेंट सेक्टर्स में इजी बाइक के नाम से ये स्कूटीज यूज़ हो रही हैं। और जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें हमारे पास राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास ये इसकी ब्रेक्स अवेलेबल हैं। इसमें फिर हमारे पास निशान भाई अगर हम व्यूअर्स को दिखा सके, ये हमारे पास मोड्स का ऑप्शन है 1, 2 और 3। इससे हम अपनी स्पीड को इन्हांस कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। प्लस हमारे पास ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी आ जाती है। इसके अलावा अगर आप मार्केट से कुछ अपने लिए ग्रोसरी स्टोर से कुछ शॉपिंग करना चाहते हो तो आप इसमें अपने साथ कोई फूड आइटम कैरी कर सकते हैं। और इसको बैठ के मैं आपको दिखा देता हूँ अपने व्यूअर्स को, बहुत मज़े की ये स्कूटी है। इसकी सीट एडजस्टेबल है, मज़ीद इसको नीचे या ऊपर भी किया जा सकता है। राइट साइड और लेफ्ट साइड में ये ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आप इसके पैडल्स भी लगा सकते हैं। एज अ साइकिल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इस स्कूटी को एज अ साइकिल भी पैडलिंग करके यूज़ किया जा सकता है। और इस स्कूटी की जो प्राइस के बारे में लास्ट में हम बात कर लें तो इस स्कूटी की जो प्राइस है वो 95,000 रुपीज़ है। लेकिन जी वीलॉग्स के जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे पास आएंगे उनके लिए स्पेशल 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 डिस्काउंट है, 10,000 लेस पे उनको 85,000 में मिलेगी। हमारे पास ये स्कूटीज़ का स्टॉक था जो आज हम लोगों ने आपके साथ इस रिव्यू में शेयर किया। तो हमारे पास मज़ीद स्कूटीज़ आएंगी इंशाल्लाह, हम वो भी अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर स्टॉक शेयर करते जाएंगे। 49cc से लेके 150cc कैटेगरी तक हमारे पास पेट्रोल की डिफरेंट स्कूटीज़ अवेलेबल है। और इसी तरह इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ 95,000 से लेके 1,80,000 तक स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। अली खान ऑटो कंपनी पे आप आएँ, हमारे व्हाट्सएप नंबर हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई से आपके साथ शेयर कर देंगे। और इंशाल्लाह मज़े मज़े के और बेस्ट डिस्काउंट्स हमसे लेते रहें। बिल्कुल, आपने हमारा व्यूअर्स का आपने वैसे पहले ख्याल रख लिया। जी जी जी, ख्याल रखना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे चैनल से आएंगे उसके लिए तो खास ख्याल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके पास दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह। और मैंने देखी है आपके पास जी प्रोडक्ट्स, जी बिल्कुल, उनके भी व्लॉग्स की कवर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।